हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ को कर रहे हैं, जिसमें 1999 से लेकर के मार्च 2020 तक के सारे सवाल को करेंगे। इसमें टोटल हम लोगों का 11,500 क्वेश्चन है और इस बुक को जो है चार वॉल्यूम में बांटा गया है। पहले वॉल्यूम में हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एसीएफ, सर्ट्स, इंडिसेज और एवरेज है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप लोगों को 1999 से लेकर के 2020 तक के सारे सवाल होंगे, पहली बात। दूसरी बात है, सारे जो क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे हर एक चैप्टर में, वो एक टॉपिक वाइज मिलेगा, जो कि किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आओ, आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम में बिल्कुल ही एक छोटे से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, दो अंकों वाली संख्या। जैसे कहा जाता है, आम के आम और गुठली के दाम, यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम होने वाला है। हम लोग प्रीवियस ईयर को भी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ फाउंडेशन क्लास का भी हम लोगों का काम इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर समझोगे कि दो अंकों वाली संख्या में होता क्या है। तो सपोज तुम लोग यहाँ पर 35 लिख रहे हो, तो इसका नाम तुम लोगों का है इकाई अंक, ठीक है? इसका नाम है इकाई अंक और इसका नाम है हम लोगों का दहाई अंक। अब देखो, ये हमारा इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। कोई भी अगर तुम लोग लेते हो, सपोज तुम लोग 74 लिख रहे हो, 93 लिख रहे हो, तो इसे लिखने का एक तरीका होता है कि तुम लोग इसको 90+3 लिख सकते हो, इसको तुम लोग 70+4 लिख सकते हो, इसको तुम लोग 30+5 लिख सकते हो। यानी कि दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करते हैं, दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, उसके बाद हम लोग इकाई अंक को जोड़ देते हैं। अब तुम लोगों को अगर एक बात कहा जाए, सपोज अगर हम दे दें कि इकाई अंक जो है, समझ लोगे बिल्कुल बेसिक से है, इकाई अंक सपोज हम 7 दे देते हैं और दहाई अंक जो है, दहाई अंक हम 5 दे देते हैं, और तब तुम लोगों से अगर हम कहते हैं कि संख्या क्या होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, दहाई जो अंक दिया हुआ है उसमें 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को हम लोग जोड़ देंगे। इस तरीके से रिजल्ट हम लोगों का 57 आ जाएगा। तो कभी भी हम लोगों के सामने अगर इस तरीके की बात आती है, तो दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। अब जरा सा ध्यान देना कि हम लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि अगर हम लोग इकाई अंक को एक्स और दहाई अंक को वाई कर दें, तो दहाई अंक में 10 से हम लोग गुना करेंगे, 10y होगा और इकाई अंक को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब तक तुम लोग समझ गए होगे कि दो अंकों की संख्या को अगर लिखना है जो इक्वेशन के फॉर्म में है, तो दहाई अंक में हम लोग क्या करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। अब एक बात और होता है कि अगर हम लोग अंक को पलट दें, अंक को पलटने पर, तो जब अंक को पलटोगे तो जो इकाई अंक तुम्हारा है, ये तुम लोगों का दहाई अंक बन जाएगा, ये हम लोगों का दहाई अंक हो जाएगा, और ये जो हम लोगों का है ये बन जाएगा इकाई अंक। जब अंक को पलटेंगे तो इकाई वाला दहाई के स्थान पर और दहाई वाला इकाई के स्थान पर, और तब तुम लोग क्या करोगे, दहाई अंक चूंकि एक्स है तो ये 10x, ठीक है, 10x प्लस वाई हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तुम लोगों से अगर हम ये कहें कि 35 को अंक को अगर पलटेंगे तो कितना होगा, तो तुम बताओगे यहां पर कि 35 के अंक को पलटेंगे तो 53 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 74 के अंक को पलटेंगे तो 47 हो जाएगा, 81 के अंक को पलटेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है? तो अंक को जब हम लोग पलटते हैं तो होता क्या है कि जो इकाई के स्थान पर का अंक है वो दहाई के स्थान पर के अंक पर चला जाता है। अब देखो, इसमें तुम लोगों को जो है हम कुछ फैक्ट को बताएंगे। जब तुम लोग उस फैक्ट को जान जाओगे तो तुम लोगों का जो ये प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगा। अब जरा सा देखो, हमेशा के लिए कैसे सोल्व होगा ये तुम लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब यहाँ पर करते क्या है, तुम लोगों को पहले इसका एक छोटा सा थ्योरी हम दे देते हैं, जिसका यूज अगर तुम लोग करोगे तो 90% चांसेज है कि तुम लोग जो है दो अंकों वाली संख्या के जो क्वेश्चन होंगे उसे तुम लोग ओरल बना लोगे। तो मान लिया जाए कि अगर हमारे पास संख्या जो है
दो अंकों का कोई संख्या है, ठीक है, संख्या हमारा 10x प्लस वाई है। 10x प्लस वाई का मतलब ये हमारा इकाई अंक है और ये हमारा दहाई अंक है। अगर हम लोग अंक को पलट दें, अंक को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो होगा क्या कि ये 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखो इसमें दो तरीके की बात होती है, दो नहीं बल्कि हम तीन तरीका यहां पर लेते हैं ताकि तुम लोग हमेशा के लिए अभ्यस्त हो जाओ। देखो तीन तरीके की जो बात होती है उसमें क्या है, अगर हम लोग संख्या को और उल्टा जो संख्या है उसको जोड़ दे, ठीक है, संख्या के साथ उल्टा संख्या को अगर जोड़ दे तो क्या होगा, तो तुम लोग देख रहे हो कि ये 10x प्लस वाई है और उल्टा हुआ संख्या हमारा 10y प्लस x है, तो ये 10x और x मिलकर के 11x हो जाता है और y और 10y मिलकर के 11y हो जाता है। 11 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो जो, अब देखो सवाल क्या होता है कि दो अंकों की संख्या और उल्टा करने पर प्राप्त संख्या का जो योगफल होता है अंकों के योगफल का 11 गुना होता है। तो यहां पर हम लोगों को जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि दो अंकों की संख्या ठीक है, और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल क्या होता है भाई, तो अंकों के योग का 11 गुना होता है, ठीक है, 11 गुना होता है। इसको तुम लोग सबसे पहला चीज माइंड में डाल लोगे। उसके बाद देखो, अब तुम लोग कभी भी अगर तुम लोग देख रहे हो, जैसे हमसे अगर कोई सवाल कहे कि 74 को 47 में जोड़ना है, ठीक है, 74 को 47 में जोड़ना है, तो हम यहां पर जोड़ करके नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे 11 को पहले लिख देंगे। तुम देख सकते हो 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है तो 7 और 4 यानी कि 11 में 11 से गुना करेंगे 121, तुम दोनों को जोड़ करके देखोगे 121 आएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग 93 में 39 को जोड़ते हैं, कोई कहेगा कि कितना होगा, हम पहले 11 लिखेंगे और 9 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, 9 और 3 12 होता है, 11 गुने 12 तुम लोग करोगे 132 होगा। अभ्यस्त हो जाओ कि ये जोड़ करके हम लोगों का 132 आने वाला है। और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज हम लोग 23 में जो है 32 को जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, 11 इंटू 2 प्लस 3 होगा यानी कि 11 गुने 5 55, तुम जोड़ करके भी देखोगे तो ये 55 होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि दो अंकों वाली संख्या में अंकों को पलट करके अगर जोड़ दिया जाए तो जो योगफल हम लोगों को प्राप्त होगा वो अंकों के योगफल के 11 गुना के बराबर होता है। तो पहली बात तो हम लोगों का यह है, यह तुम लोगों का जो है x और y के फॉर्म में मैंने बता दिया और यह हम लोगों का एक लैंग्वेज फॉर्म में है और उस पर मैंने तुम लोगों का एग्जाम्पल भी कुछ दे दिया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आओ, तो देखो ये तुम लोग नोट कर लोगे क्योंकि ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोगों का होने वाला है। अब देखो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर क्या होता है कि अगर तुम लोग 10x प्लस वाई कोई संख्या है, उलट करके जो संख्या हम लोगों का 10y प्लस x है उसको घटा दो, ये मूल संख्या में से अंकों को पलटने से प्राप्त हुई संख्या को घटाओगे तो कुछ ऐसा होगा जो कि तुम लोगों का 9x माइनस 9y होने वाला है, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या में से अंकों को पलटने से प्राप्त जो संख्या होगा अंकों के अंतर का 9 गुना है। यह क्या है भाई, तो अंकों के अंतर का 9 गुना। तो अगर इसको हम लोग यहां पर लिखना चाहेंगे तो प्राप्त संख्या का अंतर, ठीक है, अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। दूसरी बात हम लोगों का क्लियर है। अब तुम लोग कहोगे कि सर इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, तो देखो एक चीज तो कंफर्म हम लोगों का हो गया, सवाल तुम लोगों को कभी कभी देता है, ध्यान देना, जो इसके पहले बताए थे कि दो अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल किससे विभाजित होता है, तो भाई 11 इंटू तो जरूर होता है हम लोगों का, इसीलिए लिखेंगे 11 से विभाजित होगा। और कहा जाए कि दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर किससे विभाजित होता है,
चूंकि ये 9 गुना होता है इसीलिए वो क्या होता है 9 से विभाजित होता है। तो तुम लोगों को ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अंकों वाली संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल किससे विभाजित होता है, तो योगफल 11 से विभाजित होता है और अंतर जो हम लोगों का होता है वो 9 से विभाजित होता है। अब तुम लोगों को चेक करके दिखाते हैं। सपोज 73 से हम लोग 37 को घटाएंगे, तुम कहोगे घटा करके कितना होगा, हम तो कहेंगे भाई 9 तुम पहले लिख दो और अंतर 7 में से 3 यानी कि 9 × 4 = 36। अगर हम बिना घटाए हुए भी तुम लोगों को लिखेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 36 होगा। तो कुछ लोग घटा करके देखेंगे, हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे और 7 में से 3 को घटाएंगे, 4 होगा, 9 × 4 = 36। जैसे मान लेते हैं कि 92 से 29 को घटाना है तो हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे और 9 में से 2 को घटाएंगे 7, यानी कि यहां पर ये 63 आएगा। सपोज हमारे सामने 82 है, इसमें से 28 को घटाना है तो हम 9 लिखेंगे और 8 में से 2 को घटाएंगे 6 होगा, यानी कि यहां पर हम लोगों का 54 होगा। यही बेनिफिट हम लोगों का है कि जब भी ऐसा अगर काम करना है तो हम लोग जो है इसे इजी वे में करके निकल सकते हैं। एक तुम लोगों को सबसे बड़ा फैक्ट क्या बताना है ये समझोगे तुम लोग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बनाने के लिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन तुम लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब देखो तुम लोगों को जो बताने जा रहे हैं हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम लोग दो अंकों वाली कोई संख्या ले लोगे, देखो हम यहां पर लिख रहे हैं मूल संख्या और उलटने पर प्राप्त संख्या, उलटने पर संख्या, ठीक है, ज्यादा क्या लिखना है। तो मूल संख्या देखो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यहां पर लिख करके चलेंगे। सपोज हम लोग यहां पर 28 लिख रहे हैं तो उल्टा अगर करेंगे तो 82 होगा। अब इसमें तुम लोग क्या करो कि अंकों के योग से भाग देना है, किससे भाग देना है, अंकों के योग। तो अंकों का योग हमारा 8 और 2 = 10 होता है, ठीक है। 10 जब होता है तो तुम्हारे सामने दो चीज आएगा, एक हम लोगों को आएगा भागफल, एक हम लोगों का भागफल और दूसरा शेष क्या आएगा, एक आएगा भागफल और दूसरा क्या आएगा शेष आएगा। एक सबसे बड़ा रहस्य तुम लोगों को बताएंगे, 10 से तुम लोग भाग दोगे तो 10 × 20 शेषफल 8 होगा। अगर कोई कहे कि सर इसको आपको बता देंगे, इसको आप लिख दीजिएगा, हम बिल्कुल लिख देंगे, तुम कहोगे कैसे, तो भागफल जोड़ करके 10 होता है और शेषफल जोड़ करके, ठीक है, शेषफल को जोड़ करके हम लोगों का 11 होता है। अब तुम लोग यहां पर सोच रहे होगे कि आखिर ये मामला कैसे आ रहा है, ठीक है। देखो 8 और 2 = 10 से जब हम लोग भाग दिए, पलट दिए तो 82 हम लोगों का हो गया। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोगों को 8 शेष बच रहा है, 10 से जब भाग देंगे तो ये 8 और 2 = 10, ओह ठीक है। देखो अब यहां पर जो आता है ये जो जोड़ करके आएगा ये अंकों का योग आएगा, अंकों का योग, 11 नहीं अंकों का योग आने वाला है। तो ये जोड़ करके हमेशा हम लोगों का 10 आएगा और यहां पर वही होगा जो अंकों का योग होगा, जैसे 8 और 2 = 10, चूंकि यहां पर अंकों का योग पर 10 है, चूंकि दोनों 10 था इसलिए तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग इसको जो है ऐसा करते हैं कि 75 लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां पर पलटोगे तो 57 होगा। अब करना क्या है ये समझो, ये देखो तुम लोग ध्यान रखना कि यहां पर जो हम लोगों का है, जैसे तुम लोग भाग किससे दोगे 12 से, ठीक है, तो यहां पर 12 × 72 3 शेषफल बचेगा। यहां पर अगर कोई नहीं भी कहे तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि 6 और 4 = 10, अंकों का योगफल 12 है, अगर यहां पर 3 आया है तो यहां पर तुम लोगों का 9 होगा, अगर ये 12 है तो यहां पर तुम लोगों को 12 कंप्लीट करना होगा। चेक भी कर सकते हो तुम लोग, देखो 48 जब घटा दोगे तो 9 शेष बचेगा। कहीं भी तुम लोग कोई भी अगर एग्जाम्पल लेते हो हर जगह ये अप्लाई होने वाला है, ध्यान देना, भागफल जोड़ करके हमेशा हम लोगों का क्या होगा 10 होगा, ठीक है, और शेषफल को जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगा वो अंकों के योगफल के बराबर होगा।
इस बात को तुम लोग ध्यान में रखना, और ओरल क्वेश्चन तुम लोगों का इस पर बनने वाला है। सपोज और भी कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम लोग 94 ले लिए, उल्टा जब करेंगे 49 होगा, तो अंकों का योगफल 9 और 4 13 होता है, ठीक है। किसी को भाग दे करके हम लोग निकाल ले, जैसे हम इसको निकाल रहे हैं 13 * 3 = 39, तो 10 हम लोगों का शेष बच रहा है। अब तुम कहोगे सर यहां कितना होगा, तो देखो ये 13 है तो 10 और 3 = 13, ये जोड़ करके हम लोगों को 10 पूरा करना है, तो 3 और 7 = 10, तुम चेक कर लो 13 * 7 = 91, 7 बार में, और 3 हम लोगों का शेष बचेगा। तो ये तुम लोगों को मिला कि अगर दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, में अंकों के योगफल से भाग दिया जाता है और उसको उलटने से प्राप्त संख्या में अंकों के योगफल से भाग दिया जाता है, तो दोनों के भागफल का योगफल 10 होता है और शेषफल का योगफल अंकों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यही हम लोगों को यहां पर निष्कर्ष निकला। ये जो तुम लोगों का है, इससे हम लोगों का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, इससे अगर तुम लोगों को हम एक सवाल दे दें, ठीक है, देखना, एक बहुत ही छोटा सा सवाल है जो अक्सर जो है, अगर किसी के सामने ये सवाल अगर तुम रख दो तो अक्सर जो है वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, और वो सवाल पूछा हुआ सवाल होगा, जैसे तुम लोगों को हम ये कहें कि दो अंकों की संख्या में, ठीक है, संख्या में अंकों के योग से भाग देने पर, अंकों के योग से भाग देने पर, ठीक है, भागफल 6 और शेषफल, ठीक है, शेषफल 4 आता है, ठीक है, क्लियर है। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या में अंकों के योगफल से भाग देने पर क्या भागफल होगा, अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल क्या होगा, योगफल से भाग देने पर भागफल, ठीक है, देने पर भागफल। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम बताए हैं कि भागफल जोड़ करके 10 होता है, तुम यहां पर डायरेक्ट 4 लिख दोगे। अब ये शेषफल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि शेषफल के लिए हमको चाहिए अंकों का योगफल। अगर अंकों का योगफल का जानकारी होगा, क्योंकि शेषफल जो हम लोगों का होता है अंकों के योगफल के बराबर होता है। ऐसे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद जो है। तो ये जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि टोटल हम लोगों का 11,500 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक्यूरेट 11,500 से प्लस क्वेश्चन हम लोगों का होगा, तब भी जाकर के 1999 से लेकर के मार्च 2020 तक का क्वेश्चन हम लोगों का कवर होगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम की ओर चल रहे हैं, और ये सारा क्लास हम लोगों को मेरा संकल्प ऐप पर अवेलेबल है। तो आ जाओ हम लोग आते हैं सवालों की ओर, और देखते हैं सवाल हम लोगों का क्या आता है। तो देखो सबसे पहला सवाल, ठीक है, ये जो है इसमें दो अंकों वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे सवालों को यहां पर कवर किया गया है, ठीक है। तो एक बात तो तुम लोगों को पता चल गया कि जो अंतर होता है अंकों के योगफल का 9 गुना होता है। यही कारण है कि तुम लोग जितना सारा सवाल बनाए होगे उसमें तुम लोगों को मिला होगा कि 45 जोड़ने पर अंक पलटता है, 27 जोड़ने पर, 36 जोड़ने पर, या घटाने पर भी हो सकता है। तो जो भी तुम लोगों को मिलता था वो 9 से विभाजित होता था। अभी देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है। यदि मूल संख्या के दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है तो वो संख्या क्या होगा, मूल संख्या क्या होगा। देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि यहां पर बोल रहा है कि जो इसका दहाई अंक है इकाई अंक से 7 कम है, तो ये फर्स्ट या फोर में से कोई एक आंसर हम लोगों का होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ऑप्शन को चेक करना है। हमने सबसे पहले इस लाइन को देखा कि इसका जो दशांक है दहाई अंक जो है इकाई अंक से 7 कम है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला 29 और दूसरा हम लोगों का जो है 18 है। तो बोला जाता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। अगर तुम इसको उल्टा अगर करोगे तो ये 92 होगा, और इसका अगर उल्टा करोगे
81 होगा, जो मूल संख्या के चार गुना। अब देखो अगर इसको हम लोग चार गुना कर दें, 29 × 4 − 24, 24 कम है, चार गुना से 24 कम है, तो 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 12 और 4 × 8 और 3 = 11। ठीक है, देखो यहां पर हमने क्या किया, 9 × 36, उसके बाद 3 = 4 × 8 = 3 = 11, इसमें से हम लोग 24 को घटा दिए। ये रिजल्ट हम लोगों को यहां पर 92 आ चुका है। यहां पर तुम लोग देखो यही बोला जा रहा था कि 4 गुने से 24 कम है, ये 92 आ चुका है। यहां पर तुम लोग 18 × 4 अगर करोगे और तब देखो तुम लोगों को क्या होता है, 18 × 4 = 72, ठीक है, और इसमें से 24 हम लोगों को घटाना है, 72 में से तुम लोग अगर 24 को घटाओगे तो यहां पर 8 और यहां पर हम लोगों का 6 में से 2 को घटाएंगे 4, 48। तो ये हम लोगों का एक्यूरेट फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ऑप्शन को चेक करना होगा। ये तो था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा सा आ जाओ तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, तो देखो एक बच्चा भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा। तुम कहोगे कैसे, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, केवल तीसरा ऑप्शन में हम लोगों का है। तो दूसरे क्वेश्चन में केवल हम लोगों का तीसरा ऑप्शन है जो हम लोगों का 24 है, फिर भी संतोष करो। तो कहता है कि ठीक है दुगना है, यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, यानी कि दोनों अंकों का योग 2 और 4 को जोड़ेंगे, इसमें से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा। जो कहता है कि संख्या का 1/6 है, संख्या हमारा 24 था, 24 का 1/6 यानी कि 4 है, देख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन तो चेक करने वाला था ही नहीं, इसलिए नहीं था कि यहां पर हम लोगों को इकाई अंक दहाई अंक का दुगना जो है केवल तीसरे ऑप्शन में है। देखो इसमें हम 2 अंकों से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे सवालों को हम कवर किए हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब देखो यहां पर कहता है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। चलो एक बात तो हो गई, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो अंकों का योगफल कितना होगा, समझो पहले इस चीज को। जैसे जैसे जिस बात को यहां पर बोल रहा है, प्योर इक्वेशन हम लोगों को यहां पर है, इक्वेशन के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता यहां पर नहीं है, ठीक है। यही होता है कि तुम लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तुम लोग सारे सवालों को नहीं सॉल्व करते हो, तो तुम लोगों को क्या किया जाता है कि कुछ ईजी सवालों को बता दिया जाता है, जिससे करने के बाद जो है तुम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो जैसे मूल संख्या जो हमारा है, मूल संख्या हमारा 10x + y है, ये तुम्हारा इकाई अंक और ये तुम्हारा दहाई अंक होगा। तो बोला जा रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, ये 5 अधिक है, पहला इक्वेशन बन गया। यदि इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, दोनों को अंक को जोड़ेंगे x + y होगा और इसका 5 गुना उस संख्या, देख रहे हो, उस संख्या से घटा दिया जाए, यानी कि 10x + y से घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। अंक जब पलटेंगे तो 10y + x हो जाएगा, यानी कि 10x में से 5x को घटा देंगे तो ये हम लोगों का 5x होगा। उसके बाद ये y है, 5y को घटा देंगे तो ये 4y होगा = 10y + x। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इसको इस तरफ ला देते हैं तो ये 4x = इसको इस तरफ अगर हम लोग कर देते हैं तो ये 14y हो जाता है, यानी कि ये 2 और 7 तो x/y = ठीक है 7/2। तुम लोगों को मिल गया कि 7 में से 2 को अगर घटाएंगे, देखो x - y 5 चाहिए था, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 हो जाएगा,
यानी कि x बराबर हम लोगों का 7 है और y बराबर 2 है, हम लोगों से पूछा जाता है कि योगफल क्या होगा। x प्लस y निकालने के लिए 7 और 2 को जोड़ेंगे, हम लोगों का रिजल्ट जो है 9 हो जाएगा। अब जाकर के जो है देखो, ये तीन जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये तीन क्वेश्चन तुम लोगों को जो है प्रैक्टिस करने के क्रम में ये तीन क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं बताया जाता है। अब ऐसे ऐसे सवाल जो अब हम लोग करने जा रहे हैं ये तुम लोगों को मिलेगा। देखो कैसे क्वेश्चन को बनाना है। चार नंबर में सबसे पहला कहता है कि यदि किसी दो अंकों वाली संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, दहाई का अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, तो तुम आंख बंद करके दहाई का अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यानी कि यहां पर तुम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि यहां पर जब भी अगर होगा तो हम लोगों का 81 होगा। और भी हमारे पास चांस है, 63 घटाने पर अंक पलट जाता है। देख रहे हो, यदि हम संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को जो है अदला बदली कर बन जाता है। तो 63 जो तुम लोगों का दिया गया है ये देने की जरूरत नहीं थी। 63 जोड़ने या घटाने पर अंक पलटता है, यानी कि संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, तो यहां से भी हम लोगों को 7 ही मिल रहा है। तो ध्यान देना, अगर यह भी हम लोगों को दे देता कि 63 घटाने पर अंक पलट जाता है, तो हम लोग 63 में 9 से भाग देते, 7 लाते और देख लेते कि भाई 7 का अंतर कहां पर है। ठीक है, तो चूंकि 63 घटाने पर कह रहा है तो बड़ी वाली संख्या हम लोग लेते, 18 हम लोग नहीं लेते। तो डायरेक्ट हम लोगों को एक लाइन से ही यहां पर क्लियर है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, इसी सवाल के लिए तुम लोगों को मैंने उतना सारा भाषण दिया था कि यदि दो अंकों की किसी संख्या में अंकों के योगफल से भाग दिया जाए तो भागफल 6 है। देखो, मूल संख्या में जब हम लोग भाग दे रहे हैं और एक जो है उल्टा संख्या में भाग दे रहे हैं, तो एक तरफ हमारे पास भागफल और एक तरफ शेषफल होता है। तो भागफल यहां पर तुम लोगों का 6 दिया हुआ है और शेषफल 3 दिया हुआ है। फिर क्या देता है कि यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या में अंकों के योगफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 होगा और शेषफल 9 होगा। याद करो, तुम लोगों को यहां पर तो हम 10 बताए थे और यहां पर तुम लोगों को बताए थे कि अंकों का योग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 9 और 3 12 जो हम लोगों का है ये अंकों का योगफल है। देख सकते हो, ओरल हम लोगों ने इसे बना लिया। ठीक है, हो सकता है कि कभी तुम लोगों को ये नहीं भी दे करके अगर पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाई ये दोनों जोड़ करके 10 होता है। यहां पर 6 दिया हुआ था, डायरेक्ट हम लोग यहां पर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब भी होगा तो जोड़ करके 10 होगा और ये दोनों जोड़ करके अंकों के योगफल के बराबर होगा। तो 3 और 9 12 है, यानी कि 12 ही हम लोगों का अंकों का योगफल है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम लोग देख रहे हो ये कितना आसान था हम लोगों के लिए। अब जरा सा आगे आते हैं। देखो आगे कहता है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है, हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। और पलटने से जो प्राप्त संख्या है उसमें जब हम लोग गुणा जब करते हैं तो गुणनफल 480 आता है। तो अंकों का योगफल क्या होगा। देखो, ये रियल में क्वेश्चन जो है HCF का है। अब तुम लोगों को हम बताएंगे कि HCF का कैसे है, तब जाकर के जो है तुम लोगों को बात क्लियर होगा। पहले समझ लो कि कहता है कि दो अंकों की संख्या में अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है। अंकों का योगफल x प्लस वाई है, ये 424 आता है। और पलट करके जो संख्या बन रहा है उसमें अगर हम लोग अंकों के योगफल से गुणा करते हैं तो ये 280 आता है। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई से यहां भी गुणा हुआ है और x प्लस वाई से यहां पर भी गुणा हुआ है, यानी कि x प्लस वाई इसका में भी फैक्टर होगा और इसमें भी फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है HCF निकाल लेंगे। अब HCF देखो भाई, दोनों किससे कटने वाला है। हो सकता है 8 से कटे, 8 पाँचे 40, 8 3 के 24, 8 3 के 24, 8 5 40। तो तुम लोग जो HCF जो निकालोगे वही हमारा x प्लस वाई होगा और ये हम लोगों का 8 आ रहा है। ठीक है, अब सोच सकते हो कि ये सवाल जो है देखने वाले को तो लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये सवाल हम लोगों का HCF में है, जो कहीं ना कहीं जो है
हम लोग दो अंकों वाली संख्या समझ करके इसमें भटकेंगे। तो देखो यहां पर दोनों में x प्लस वाई था, इसका मतलब है कि x प्लस वाई दोनों का गुणनखंड है, और जो दोनों का बड़ा गुणनखंड होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। आगे कहता है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है। भाई इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से दो अधिक है, तो पहला और ये चौथा, हमारे पास इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। संख्या और अंकों को पलटने से अंकों के योगफल का गुणनफल, यानी कि संख्या और इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, तो संख्या तुम्हारा 24 है, अंक को जब तुम लोग जोड़ोगे तो ये 6 होगा, देखो 4 और 2 6, गुना करोगे 144 हो रहा है, लेकिन यहां पर 46 है, जब अंक को तुम लोग जोड़ोगे तो ये 10 होगा जो कि 460 होता है। हम लोगों को 144 बोला जा रहा था, देख लो संख्या 24 है, अंकों का योगफल, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 24 में 6 से गुना करेंगे 144, जो कि हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन हो रहा है, जो हम लोगों का यहां पर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, अपने अंकों के योगफल के तीन गुनी है। देखो दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की तीन गुनी है, ठीक है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखो ये सबसे बड़ा फैक्टर हम लोगों का होता है, अगर हम लोग 45 अगर जोड़ देते हैं, 45 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कहता है कि अंकों का जो है ना, अंकों का जो ये दिया हुआ है, क्या कहा जाता है, 45 जोड़ने पर अंक के स्थान पलट जाते हैं। इसका मतलब है कि अंकों का अंतर तुम लोग यहां से इजी वे में निकाल सकते हो। याद करो तुम लोगों को बताए थे कि दो अंकों वाली संख्या और अंकों से को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। तो भाई ये 45 है, 45 बराबर 9 गुने x माइनस वाई होगा, जैसे तुम लोग 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर तुम लोग 45 यहां पर लिखता, जिसको हम काट करके यहां पर तुम लोगों को बता रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर हम लोगों को 5 तो मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इक्वेशन हम लोग मिस कर रहे हैं। देखो अंतर यहां पर अगर पूछा होता तो हम लोग काम कर लेते। तो दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या जो हम लोगों का दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखो अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि तुम लोगों से ये अगर पूछा जाए कि इकाई अंक किसको और दहाई अंक किसको रखें। देखो अगर जोड़ने पर अंक अगर पलटता है, ध्यान देना, अगर जोड़ने पर अंक पलटता है तो दहाई अंक छोटा होगा, ध्यान से सुनना, जोड़ने पर अगर अंक पलटता है तो दहाई अंक छोटा होगा। तो इसका मतलब यह है कि वाई हमारा दहाई अंक है, वाई चूंकि छोटा है घटाया जा रहा है, तो वाई प्लस एक्स, दस वाई प्लस एक्स हमारा संख्या होगा, ठीक है। जोड़ने पर अगर अंक पलटता है तो दहाई अंक छोटा होगा, और घटाने पर अगर अंक पलटता है तो इकाई अंक बड़ा होगा, ठीक है। तो यह दस वाई प्लस एक्स है जो कहता है कि 5 गुने एक्स प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। अब तुम लोग क्या देखोगे, 10y में से 5y को घटा देंगे 5y, ठीक है, 10y में से 5y को घटा देंगे 5y, 5x में से x को घटा देंगे, ये हम लोगों का 4x हो जाएगा। तो 3 गुना दिया हुआ है बंधु, 3 गुना है, तो 10y में से 3y को हम लोग घटा देंगे 7y, ठीक है, और ये 3 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहां से अगर तुम लोग देखो तो x बटा वाई का मान 7/2 होने वाला है। 7 में से 2 को तुम लोग घटाओगे तो 5 आ जाएगा, देखो 7 x के जगह पर 7, y के जगह पर 2, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 होगा। हम लोगों को x प्लस वाई पूछा जा रहा है, 7 और 2 को जोड़ेंगे हम लोगों का x प्लस वाई 9 होने वाला है। देखो इसमें टोटल सवालों को कवर किया गया है, ये बात तुम लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। देखो यहां पर दे रहा है कि अंकों का योगफल 10 है, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हम लोगों का 10 आने वाला है, ठीक है। इकाई अंक और दहाई अंक को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हम लोगों का 10 आने वाला है। इसके बाद ध्यान से देखोगे,
कहता है कि इनके अंकों को स्थान बदलने से बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, यानी कि पलटने पर संख्या हमारा छोटा हो जा रहा है। देखो, पलटने से संख्या छोटा होने का मतलब क्या है? तो सबसे पहला चीज है कि एक लाइन तुम लोगों को दिया हुआ है 9 नंबर में कि दोनों को जोड़ करके 10 चाहिए। तो अगर तुम कितना भी तेजी से चलोगे तो जोड़ करके 10 तो केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन में हो रहा है, 18 कम है, यानी कि दोनों को घटा करके हम लोगों का 2 होने वाला है। क्योंकि बताए थे कि 2 अंकों वाली संख्या और उसको उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना होता है, इसलिए अंतर में 9 से भाग देंगे 2 होगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि भाई तुम लोग 46 लिखोगे या 64 लिखोगे, माथा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, क्या करना है ये समझो। तो कहता है कि इनके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, पलटने पर संख्या छोटा होना चाहिए। तो पलटने पर छोटा कौन होगा? 64 होगा। जब तुम तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हो 64, जब इसको पलटेंगे तो 46 हो जाएगा। देखो, दोनों को घटाओगे 18 आएगा, तो ये उलटने पर जो संख्या है इससे 18 कम है, ठीक है। और यही कहता कि 18 ज्यादा है तो हम लोग 46 को आंसर कर देते। 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, देखो भाई मैंने बता दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योगफल अंकों के योगफल का 11 गुना होता है। तो जब तुम 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, और उसको उलट करके जो संख्या प्राप्त हो रहा है, जैसे हम 23 में 32 को जोड़ दिए, ये 55 आ रहा है, तो ये रियल में क्या होता है कि 11 × x + y होता है, यानी कि निश्चित रूप से ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अंतर अगर होगा तो 9 से विभाजित होगा, योगफल अगर होगा तो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे देखो, ये ऑप्शन को चेक करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर के अंक दहाई अंक के स्थान पर के अंक के दुगने से 1 कम है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच के अंतर मूल संख्या से 20 कम होता है। समझना सबसे पहला चीज, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या, इकाई के स्थान पर के अंक दहाई के स्थान पर के अंक के दुगने से 1 कम है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक के दुगना से 1 कम है। तो तुम लोग अगर देखोगे 9 इकाई का स्थान है, 5 × 10 से 1 कम है, ये नहीं होगा। 5 जो है 3 × 6 से 1 कम है, 7 जो है 4 × 8 से 1 कम है, यानी कि हमारे सामने पहला ऑप्शन 59 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन 35 हो सकता है और चौथा ऑप्शन जो है 47 हो सकता है। क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से 1 कम है, तो 5 × 10 से 1 कम, 3 × 6 से 1 कम, 4 × 8 से 1 कम। तो कहता है कि यदि इकाई और दहाई स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, जब पलटोगे तो ये 95 होगा, पलटोगे तो ये 53 होगा, पलटोगे तो ये 74 होगा। लेकिन देखो भाई, इसमें से इसको घटाने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, नई संख्या से मूल संख्या को घटाने के लिए कह रहा है। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 15 से 9 को घटाएंगे 6 होगा, और यहाँ पर 8 से 5 को घटाएंगे 3 होगा, 13 से 5 को घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ पर हम लोगों का 4 से इसको घटाएंगे 1 होगा, इसके बाद 14 से 7 को घटाएंगे 7 होगा, और 6 से 4 को घटाएंगे 2 होगा। तो बोला जाता है कि ये जो घटा करके जो संख्या आ रहा है वो मूल संख्या से 20 कम है। देखो, ये 36 कभी भी इससे 20 कम नहीं हो सकता है, देख लो, घटा करके जो अंतर आ रहा है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो 36 कभी भी 59 से 20 कम नहीं होगा, 18 कभी भी 35 से 20 कम नहीं होगा, लेकिन 27 जो है 47 से 20 कम होगा, इसीलिए हमारा आंसर जो है 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, यही होता है, ऐसा नहीं है
अब होता क्या है ना कि जब तुम लोग सवाल को बनाते हो तो तुम लोगों को जो है केवल उन सवालों को बताया जाता है जो तुम लोग ऐसा ऐसा देख रहे हो, ठीक है। दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की तीन गुनी है। दो अंकों की संख्या है जो अंकों के योगफल की तीन गुनी है, 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। तो एक काम तुम लोग करोगे, 45 जोड़ने पर अंक पलटता है यानी कि x माइनस वाई निकालना है, तो 45/9 कर दो, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल के तीन गुनी है। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर बनाए हैं तो फिर हम लोगों को क्या करने की जरूरत है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल की तीन गुनी है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का योगफल क्या होगा। और शायद यहां पर भी हम लोगों को वही है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो 13 नंबर में आ जाओ, देखो दो अंकों की एक संख्या में अंकों का गुणनफल 24 है। देखो 24 कहां पर आ रहा है, तो ये तो 12 हम लोगों को बनाना है नहीं, ठीक है। 13 नंबर में तो अंकों का योगफल 24 के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन 83 और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का 38 है, ठीक है। 45 जोड़ने पर अंक पलट जाता है, तो एक बात भाई ध्यान में रखो कि x माइनस वाई बराबर 45/9 यानी कि 5 होगा, तो अंतर 5 यहां पर भी। अब सोचो जोड़ने पर पलटेगा कौन, तो जो छोटा संख्या होगा उसको अगर जोड़ेंगे तो पलट जाएगा, अगर घटाने पर कहता तो हम लोग इसको आंसर लिख देते, जोड़ने पर कह रहा है तो छोटा वाले को लिख दो, सोल्व करने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का रिपीट हो गया, किसी संख्या में दो अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का योगफल किस संख्या से अवश्य विभाज्य होगा, तो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है, ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, ये हम लोग बना चुके हैं। देखो इसमें जब भी तुम लोगों का अगर आता है और अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर हम लोग बनाए तो बहुत बन सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन तुम लोगों का है, इसके बाद तुम लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सारे सवालों को जो है यहाँ पर कवर कर रखा है, उसके बाद जो है हम लोगों को कुछ ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। चलो ऐसे हम अभ्यासार्थ में क्या करेंगे, कुछ और सवालों को तुम लोगों को कर देंगे, लेकिन इसमें जो बात ध्यान में रखना था यही था कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या अंकों के योगफल का जो है 11 गुना होता है और पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। 15 नंबर में पढ़ोगे कि दो अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 4 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 कम है। तो देखो हम इकाई अंक और दहाई अंक की जो बात कर रहे हैं तो ये हमारा इकाई अंक और ये दहाई अंक हो जाएगा। इस संख्या के तीन गुने में अंकों को अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर जो अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है 108 प्राप्त होता है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, हम लोगों को ये दहाई अंक है ये इकाई अंक है, क्योंकि दहाई अंक जो है इकाई अंक से 4 कम है, तो ये संख्या हम लोगों का है और इसका जो हम लोगों का दिया हुआ है तीन गुना, ठीक है, इसका जो तीन गुना है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 10x+y और इसका जो है 6/7 गुना, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने से हम लोगों को 108 प्राप्त होता है। अगर तुम लोग तीन से अगर काटना चाहोगे तो ये दो बार में 3 3 9 3 6 18 थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, 7 70y+7x ये 10 2 20x+2y=6 7 42 17 21 4 25। अब तुम लोग यहाँ पर इसको लेके चलोगे तो ये तुम लोगों का 72y होगा और ये 27x होगा बराबर 2 5 2। अगर तुम लोग 9 से भाग देना चाहते हो तो 9 8 72 9 3 27 9 2 18 और 9 8 72,
यानी कि 8y + 3x = 28। अब देखो यहां पर क्या है, हम लोग इसमें अगर 3 से गुणा कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3x - 3y = 12 होगा। इसमें 3 से गुणा हम लोग कर दिए और इसको अब हम लोग घटा देते हैं तो ये कटेगा 8 और 3 = 11y। यहाँ पर जब तुम लोग घटाओगे 28 में से 12 को जब घटाओगे तो ये तुम लोगों का 16 आने वाला है। एक बार हम लोगों को चेक करना होगा, ठीक है, कहाँ पर हम लोगों का क्या कन्फ्यूजन है इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद चूंकि देखो यहाँ पर y का मान हम लोगों को रियल में जो निकलना चाहिए वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो एक बार हम लोग संभवतः फिर से चेक कर लेते हैं। हम लोगों को देखो यहाँ पर दिया हुआ कि दो अंक वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई वाले अंक से कम है। अच्छा, से कम है। इस संख्या के 3 गुने में अंकों के, देखो बंधु यहाँ पर एक काम हो गया और वो काम ये हो गया कि क्वेश्चन में जो है कुछ बात हम लोगों को यहाँ पर छूट गया। हम जो यहाँ पर तुम लोगों को लिख दिए हैं कि 4 कम है, हालांकि से कितना कम है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 4 कम जो हम लोग यहाँ पर कर दिए, 4 कम करने के कारण जो है यहाँ पर हम लोगों का गलत हो रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो घटा करके अगर हम लोग यहाँ पर 3 से अगर हम लोग गुना भी यहाँ पर कर रहे थे तो 3 × 2 = 6, 2 कम पर बना के देखते हैं, 3 × 2 = 6 को अगर हम लोग यहाँ पर घटा दें ये 22 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू हम लोगों का 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 अगर होगा तो x का वैल्यू, दोनों को घटा करके 2 चाहिए तो x का वैल्यू 4 होगा, और हम लोगों को दोनों का योगफल पूछा जा रहा है तो 2 और 4 को जोड़ दो 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 कम पर हम लोग इसको बना देते हैं, 2 कम पर हम लोगों का 6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर के सारे सवाल जो अब तक तुम लोगों को अंकों के योगफल से पूछे गए हैं, और हमने इसमें जो है टोटल सवालों को कवर किया है। हमारा भरपूर कोशिश था कि जितने क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं और जो हमें मिला मैक्सिमम, ऐसे तुम लोग अगर 10,500 को कवर भी करोगे जो मार्केट में अवेलेबल है उसको अगर कवर भी तुम लोग करते हो तो उसमें जो है मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन हम लोगों का था। तो इसमें तुमने देखा कि हमने 13 क्वेश्चन इसमें निकाला, 13 क्वेश्चन हम लोगों का इसमें बन चुका है, और बाकी अगर बाद में भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसे जो है अभ्यासार्थ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभ्यासार्थ में कुछ एक्स्ट्रा सवालों को भी डालेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ताकि तुम लोग CGL को जो है ढंग से सोल्व कर सको। तो चलो इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारा क्लास मेरा संकल्प ऐप पर अवेलेबल है, तुम लोग इसे लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों के लिए बेस्ट क्लासेज जो है उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।